देग्या न्यूज में आपका स्वागत है। देग्या न्यूज को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और न्यूज अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए घंटी को दबाएं। दिग्या न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विस्तार से। औरंगाबाद में मिट्टी धंसने से 3 महिलाएं उसमें दबकर घायल हो गई हैं। घटना मदनपुर थाना क्षेत्र के अजनवा गांव की है। घायलों में एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों ने बाहर रेफर कर दिया है। हादसा उस वक्त हुआ जब तीनों महिलाएं घर की लिपाई पुताई के लिए खेत से मिट्टी लाने गई थी। मिट्टी कोड़ रहा था, गिर गया ऊपर से, गिरा तो हाँ था। वो घरेलू काम के मिट्टी खुदाई करने के लिए बगल गांव के बगल के खेत में गए थे, जहां उनकी मिट्टी धंसने कारण दब गई। उसके बाद प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र मदनपुर में लाया गया, जहां उनकी प्राथमिक उपचार किया गया। प्राथमिक उपचार करने के बाद उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। उसके बाद आगे के इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल औरंगाबाद रेफर कर दिया गया। औरंगाबाद में बकाया वेतन तथा एरियर के भुगतान की मांग को लेकर टीईटी तथा एसटीईटी पास शिक्षकों ने आज दानी बिगहा पार्क में धरना दिया। धरनार्थी शिक्षकों का कहना था कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मनमाना रवैये की वजह से उन्हें पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। नतीजतन उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। बार बार ध्यान आकृष्ट कराए जाने के बावजूद कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में अब उनके समक्ष अपने आंदोलन को और भी उग्र बनाने के सिवा कोई भी रास्ता नहीं बच गया है। भ्रष्टाचारी डी ऑफिस छोड़ दो, डी ऑफिस मुर्दाबाद, डी ऑफिस मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरे बिहार में 7वां वेतन का सर्विस बुक निर्धारण हो चुका था, यहाँ नहीं हुआ था, इसी कारण इन लोग बैठे हुए हैं। पूरा जिला कमेटी इनके साथ है और जो अरवल जिला हो, गया जिला हो, रोहतास जिला हो, मगध के पूरे जिलों में एरियर का पैसा मिल चुका है शिक्षकों के बीच, और औरंगाबाद जिला में यहाँ पे शिक्षकों का ना एरियर मिल रहा है, ना 4 महीना से वेतन मिला है। इन्हीं चंद मांगों को लेकर हम लोग आज धरना पे बैठे हैं। यदि इस मांग को यथाशीघ्र डीओ डीपीओ पूरा नहीं करेंगे तो डीओ ऑफिस के समक्ष, डीओ ऑफिस के सामने हम लोग आमरण अनशन करने को तैयार हैं। आज इस धरना के माध्यम से डीओ ऑफिस को यह जताना चाहते हैं कि आज जो हम टेट एस्टेट शिक्षकों के साथ पूरे बिहार में नाइंसाफी हो रही है, हमें दर दर भटकने के लिए मजबूर किया जा रहा है, गलत तरीके से हमारा शोषण किया जा रहा है, 4 महीने से वेतन से वंचित रखा जा रहा है, हमें एरियर से वंचित रखा जा रहा है, और ऊपर से पदाधिकारियों के द्वारा छोटी छोटी बातों को लेकर के हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। यथाशीघ्र इन बिंदुओं पर विचार करें और हमें प्रताड़ित करना बंद करें, अन्यथा के स्थिति में आज हम इस धरना के माध्यम से
इस डीओ ऑफिस को ही नहीं पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था में पदाधिकारियों को चेतावना चाहते हैं कि अगर यही व्यवस्था रही तो हम स्कूल में जो सुधार लाए हैं अपनी कलम के बल से, हम उस कलम के माध्यम से ही इस पूरी व्यवस्था में जो कूड़ा कचरा बंद करके और हमें सताने का काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम अपनी चट्टानी एकता के बल पर उन्हें अपनी मांगों को मनाने के लिए आमरण अनशन, जो हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा है, आमरण अनशन करने के लिए हम बाध्य होंगे। यथाशीघ्र यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हम आमरण अनशन पे बैठने के लिए तैयार हैं। विनोद ट्यूटोरियल, हमारे यहाँ सभी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है, नामांकन जारी है। हमारे यहाँ दिव्यांगों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अवश्य संपर्क करें। विनोद ट्यूटोरियल, अनुग्रह मिडिल स्कूल के नजदीक, औरंगाबाद। औरंगाबाद के दाऊद नगर में कल से लापता युवक अजय का शव नहर से मिलने के बाद परिजन आक्रोशित हो उठे। परिजनों के साथ आम जनों ने दाऊद नगर बाजार रोड को नहर कूल के पास न सिर्फ जाम कर दिया बल्कि टायर जलाकर आगजनी करते हुए जमकर नारेबाजी भी की। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशितों को समझा बुझाकर किसी तरह शांत कराया। हालांकि इस बीच पुलिस के साथ थोड़ी बहुत झड़प भी हुई। बाद में परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। हम लोग केस नहीं लिखा जा रहा था, इसलिए हम लोग सड़क जाम किए थे, टायर भी जलाया, लेकिन हम लोग कुछ अथी नहीं किया गया था। फिर टायर जलाने के बाद हम लोग औरंगाबाद एसपी साहब के पास फ़ोन किए तो वो बोले कि हम फ़ोन कर रहे हैं थाना पर, तुम्हारा अथी केस लिया जाएगा। तो फिर हम लोग केस लिया गया है, इसमें हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग के चाहिए। औरंगाबाद पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 6 सदस्यों को न सिर्फ दर्दबोचा है बल्कि उनके पास से चोरी की 2 बाइक, 1 ऑटो तथा 3 मोबाइल भी बरामद किया है। एसडीपीओ अनूप कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एक टीम गठित कर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इनमें से 4 वाहनों को चुराने का काम करते हैं जबकि 2 चुराए गए वाहनों की खरीद फरोख्त की जिम्मेदारी संभालते हैं। हम लोग को गुप्त रूप से सूचना मिली थी कि पूरा एक ग्रुप जो है वो ऑटो मोटरसाइकिल वगैरह चोरी करके उसको बेचने का धंधा कर रहा है। तो इसी गुप्त सूचना के आधार पर हम लोगों ने इसमें एक व्यक्ति को, अमरजीत कुमार उसका नाम है, उसको हम लोगों ने मजरूखा से पकड़ा है। और उसके ग्रुप में 3 और लोग हैं जिसमें एक विकास है, एक राहुल है, एक अक्षय है, ये सभी भी लोग पकड़े गए हैं। ये लोग ऑटो वगैरह चोरी करके और बेच करके पैसा बनाने का धंधा करते थे। तो आज सभी ये 4 पकड़े गए हैं, इनके पास से वो ऑटो भी बरामद हुआ है, इसके अलावा इन लोगों के पास में से 2 मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। अभी इन मोटरसाइकिल की भी जाँच की जा रही है कि कहीं ये मोटरसाइकिल भी चोरी की तो नहीं है। उसके अलावा इनके पास से 2 मोबाइल भी बरामद हुआ है और इनका ग्रुप अभी और लंबा है, उसके अभी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं और अभी छानबीन के बाद और भी लोगों के इसमें नाम आएंगे, उन सभी लोगों की गिरफ्तारी इसमें की जाएगी। औरंगाबाद के जमहोर स्थित एक जनरल स्टोर में भयंकर आग लग जाने से दुकान में रखी लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। बताया जाता है कि बीती रात दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद जब लपटें उठने लगी तो आसपास के लोगों ने दुकान मालिक को इसकी सूचना दी, जिसके बाद दुकान मालिक और ग्रामीणों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। हालांकि इस बीच फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी वहां पहुंच चुकी थी मगर तब तक सब कुछ जलकर खाक हो गया था। आग कैसे लगी इस बात का खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। हमें रात में 2 बजे पता चला, आस पड़ोस के लोग ने बताया कि आपकी दुकान में आग लग गया है, और उसके बाद हम आए अपने दुकान पर। आए तो देखे कि पूरा दुकान में आग लगल था, पूरा सामान जल रहा था, यहाँ तक कि पूरा दुकान का बिल्डिंग तक जल रहा था। उसके बाद हम थाना में फ़ोन किए, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किए, दमकल वाले को, और फिर दमकल वाला फिर आया। आधा घंटा के बाद दमकल वाला आ गया था और उसके बाद पूरा जो है से आग पर काबू पाया गया।
और तब तक काफी बहुत देर हो गई थी, पूरा दुकान का सामान जल चुका है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।